हेलो, आई एम हरिम सर। वेलकम ऑल स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल हरिम सर केमिस्ट्री टिप्स। देखिए, हमने आपको बताया था कि हम संडे को वीक में एक दिन ट्रिक क्लास दिया करेंगे। शेष आपका ऑर्गेनिक आर्ट पार्ट कंटिन्यू चलेगा, लेकिन हमने इसी वीक में एक बैलेंसिंग ट्रिक वाली क्लास दे चुके हैं, इसलिए आज हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेक्स्ट यूनिट की तरफ चलते हैं। आपका हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स द क्लासिफिकेशन इंट्रोडक्शन द क्लासिफिकेशन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन कंप्लीट करा चुके हैं और ये भी बता चुके हैं कि हेलो एल्केन द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट फॉर मैनी कन्वर्जेंस। इसलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू टॉपिक एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। एक चीज का विशेष ध्यान रखें, यदि मेरे चैनल को जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं वो देखें, उनको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्री मिल रहा है, स्टेप बाय स्टेप मिल रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी तैयार। फिर हम क्या है कि मोस्टली आपको और भी प्रयास करेंगे, यानी आपका बोर्ड तक पूरा मॉडल पेपर सहित यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट हो जाएगा। आपको लगेगा कि वास्तव में केमिस्ट्री सर कंप्लीट हो गई, बोर्ड के लिए हम पूरी तरह से। बस हमारी रिक्वेस्ट ये रहती है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और न्यू इंफॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। साथ में आपको लगता है कि हमारे मित्रगण, हमारे जो फ्रेंड सर्किल है, चाहे वो यूपी में रहता हो, चाहे यूपी के किसी भी कोने पर रहता हो या और स्टेट में हो, आप उन्हें शेयर कर सकते हैं जिससे वो भी बोर्ड की अच्छी तैयारी कर सकते। तो हम स्टार्ट करते हैं एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। देखिए, एल्कोहल की अपनी एक आइडेंटिफिकेशन होती है, मोस्टली क्या है, मैं मान लीजिए यहां CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, दिस इज एल्केन। ये क्या है, एल्केन है, जिसे हम 1-2 IUPAC में देखें तो एथेन का नाम दे देते हैं। बात समझ में आ गई, इसे इथेन का नाम दे। यदि हम इसमें OH ग्रुप को ऐड कर दें, एग्जाम्पल यहां पर हम OH ग्रुप को ऐड कर दें, तो हमारे पास क्या हो जाता है, CH3CH2OH, ये एल्कोहल फॉर्म हमको मिल जाती है। तो एक तरह से इंट्रोडक्शन रहा कि एल्कोहल हमको कैसे। इसके अलावा हम कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड यानी बेंजीन ले देते हैं और इसके ऊपर इस तरह से OH अटैच कर दें तो ये आपका फिनॉल हो गया। एक चीज का और ध्यान रखिए कि एल्कोहल का आइसोमर होता है ईथर। आइसोमर का मतलब होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम बट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, इज कॉल्ड आइसोमर एंड दिस प्रोसेस या दिस फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। देखिए, दिस इज एल्कोहल, वेच आइडेंटिफिकेशन आ रही है, आप देख रहे हैं, इसको हम CH3 OCH3, ये ईथर फॉर्म हो गया। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि एल्कोहल दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लीजिए, H6O, देख लीजिए दोनों का फॉर्मूला। तो ये हमने इंट्रोडक्शन दिया, अब आपको हम इसके क्लासिफिकेशन के इंट्रोड्यूस कराएंगे। वही सिस्टमैटिक चलेगा जो हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स में चला था। देखिए, अब आप डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, सिलेबस आपका कंटिन्यू हो रहा है, इससे आपको
प्रॉब्लम ही नहीं आनी चाहिए। बीच बीच में हम ट्रिक जो दिया करेंगे वो भी कहीं ना कहीं सिलेबस से रिलेटेड हुआ करेंगी, आपकी बहुत अच्छे सिलेबस को और चार चांद लगा सकते हैं उसमें। तो एल्कोहल में आप देखिए मोस्टली क्या है, OH ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। सपोज कीजिए जैसे CH3OH OH ग्रुप आ रहा है तो उसको हम मोनोहाइड्रेट का नाम दे देते हैं, मोनोहाइड्रेट एल्कोहल। यदि हम यही OH की संख्या बढ़ा दें यानी इस तरह से कर दें हम जैसे डाई हाइड्रेट एल्कोहल, देख रहे हैं आप मोनोहाइड्रेट डाई हाइड्रेट और इसके अलावा पॉलीहाइड्रेट यानी हम दो से ज्यादा ले लेते हैं CH2OH इज द पॉलीहाइड्रेट एल्कोहल, पॉलीहाइड्रेट एल्कोहल। तो यहां हम बड़े आसानी से क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप के बेस पर ये हम यहाँ OH दिस इज द हाइड्रोक्सी ग्रुप, दिस इज द हाइड्रोक्सी ग्रुप के बेस पर इसकी हमने टाइप्स की स्टडी कर ली। अब क्या है आप यहाँ फिनॉल पर अध्ययन चले जाते हैं तो फिनॉल को भी इसी तरह से हम दिखा सकते हैं। देख लीजिए फिनॉल के बेस पर हमें मान लीजिए तो हमने एल्कोहल दिखाया, देखिए फिनॉल में भी हम क्या कर सकते हैं आप इस तरह से बनाएंगे ये ऐसे, ये आपका OH मोनोहाइड्रेट हो गया, यही आप बढ़ा दीजिए इसमें OH की नंबरिंग और ये आपका OH यहाँ पर OH हो गया और नीचे पैरा पोजीशन पर भी आप दे सकते हैं ऐसे, यहाँ पर भी आप इस बेस पर भी इसके टाइप्स हो जाते हैं फिनॉल के। इसके अलावा भी कार्बन नंबर के बेस पर, कार्बन नंबर की डिग्री के बेस पर भी एल्कोहल के टाइप्स हम पढ़ सकते हैं। आपने डिग्री ऑफ कार्बन पढ़ा होगा 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, इसके विषय में सुना होगा। तो मोस्टली क्या है सपोज कीजिए मैं यहाँ ये देता हूँ OH ग्रुप ऐड कर देते हैं या आप सीधा सीधा ऐसे कर सकते हैं इस तरह से CH2 CH2 एंड CH3। ये कार्बन क्या है, ये कार्बन इस कार्बन से यानी वन कार्बन है तो ये आपका 1 डिग्री एल्कोहल हो गया और इसी को आगे आपको बढ़ाना है 1 2 3 इस तरह से, यहां आप OH कर दीजिए इससे भी अटैच हो रहा हो इससे भी अटैच हो रहा है आपका 2 डिग्री एल्कोहल हो गया, ठीक है कितना हो गया 2 डिग्री और यही केस में आगे और बढ़ा दूंगा आपका यानी 1 2 3 और ऊपर और दिस इज OH। तो ये देखिए ये कार्बन इससे इससे और इससे यानी OH जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है उसी बेस पर इसका टाइप 3 डिग्री एल्कोहल, यानी इसको हम कह सकते हैं फर्स्ट आपका प्राइमरी एल्कोहल हो गया, प्राइमरी एल्कोहल या 1 डिग्री एल्कोहल, सेकेंडरी चार्ज का सेकेंडरी एल्कोहल या 2 डिग्री एल्कोहल और ये हो गया आपका टर्शियरी एल्कोहल या 3 डिग्री एल्कोहल, इस तरह से इनके नाम आप दे सकते हैं। देख लीजिए समझ में आई क्लासिफिकेशन आपकी में कि कार्बन डिग्री के बेस पर एल्कोहल का 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री और प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल। इसके अलावा कुछ स्पेशल ग्रुप होते हैं उसके बेस पर भी हम इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं यानी ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल ग्रुप, याद रखिए ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल ग्रुप के बेस पर भी हम इसका पार्ट कर सकते हैं। आप जो है इसमें ध्यान देंगे एक एलाइलिक ग्रुप हमने बताया होगा आपको, एलाइलिक ग्रुप होता है ध्यान रखिए ग्रुप को याद रखें आप, उसके बाद क्या ऐड करते हैं इसमें उसके बेस पर चाहे एल्कोहल ऐड करें या कोई भी चीज
सपोज करो मैं लिखता हूं यहाँ डबल बॉन्ड सी एच और ये आपका इस तरह से, ये आपका ये है तो ये हो जाएगा और ये। अब इस पर आप एल्कोहल ग्रुप अटैच कर दीजिए। सपोज कीजिए हमने यहाँ पर ओ एच ग्रुप अटैच कर दिया, दिस इज एल आर ए एल्कोहल, बड़ा आसान है समझना, दिस इज एल आर ए, दिस इज एल आर ए ग्रुप यहाँ, और इससे आप जो अटैच करेंगे उसी के बेस पर इसका नाम हो जाएगा। एक विनाइल ग्रुप होता है, दिस इज सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच, अब यहां आप OH अटैच कर दीजिए। ये जो ग्रुप है दिस इज ग्रुप इज कॉल्ड विनाइल ग्रुप, तो हम जो है इसको इसी बेस पर ये विनाइलिक एल्कोहल हो जाएगा, विनाइलिक एल्कोहल। तो ये क्लासिफिकेशन स्पेशल ग्रुप के बेस पर हम बता रहे हैं, और एक एरोमेटिक में भी हम ले सकते हैं, बेंजैलिक किस्म ले सकते हैं, बेंजैलिक देख लीजिए ने, और बेंजैलिक में हम ले सकते हैं। यदि हम ये बेंजैलिक बनाए, बेंजैलिक शब्द है बेंजैलिक एल्कोहल, इस बेस पर भी हम इस तरह से प्रोसीजर बना के ऐसे, और यहाँ CH2H यानी CH2 से OH ग्रुप अटैच कर देते हैं तो आपका बेंजैलिक एल्कोहल हो जाता है। बेंजैलिक एल्कोहल का टाइप हो जाता है, देख लीजिए, क्लियर हो गया। यानी इसका क्लासिफिकेशन हमारी समझ में आ रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप एंड द बेसिस ऑफ 1 degree, 2 degree, 3 degree कार्बन एंड द स्पेशल ग्रुप बेसिस बेंजैलिक, एलैलिक एंड द विनाइलिक। और लास्ट जो है आपका, अभी कहीं ईथर का नाम नहीं आया तो ईथर का भी हम दे सकते हैं। देखिए ईथर का भी क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। ईथर डिवाइडेड बाय टू पार्ट, सिंपल ईथर एंड जर्स इज द मिक्स्ड ईथर। तो सिंपल ईथर में क्या होता है, इसको हम नॉर्मली समझ सकते हैं, बोथ एल्काइलिक ग्रुप ग्रुप्स आर सेम, और यहां लिख सकते हैं बोथ एल्काइलिक ग्रुप ग्रुप्स आर डिफरेंट, तो वो आपका मिक्स ईथर कहलाएगा। बड़ा इजीली है, आप समझते हैं, मैं एग्जांपल ले देता हूं, CH3 OCH3, दिस इज द सिंपल ईथर, और CH3 OC2H5, दिस इज द मिक्स्ड ईथर, यानी O से जब एल्काइलिक ग्रुप डिफरेंट हो, एक 1 carbon हो दूसरा 2 carbon हो, अब सेम है तो सिंपल हो जाती है ईथर, और यदि डिफरेंट है तो देख लीजिए आप, तो आज हमने आपको स्पेशल न्यू सिस्टम स्टार्ट किया है, एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, इंट्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर एंड अ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल फिनॉल ईथर ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप एंड द स्पेशल टाइप्स ग्रुप एंड अदर द ऑन द बेसिस ऑफ 1 degree, 2 degree, 3 degree कार्बन। देखिए कल हम वीडियो में मंडे, और ध्यान रखिए मंडे का दिन बड़ा ही स्पेशल है इस चैनल के लिए, क्योंकि यूट्यूब चैनल पर हमारी 50 वीडियो कंप्लीट हो जाएंगी कल 31 अगस्त। तो हम चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, और अब 30 सितंबर तक आगे छुट्टियां बढ़ चुकी हैं और आगे भी हमें नहीं पता, तो इस चैनल की मदद से
बाय सिस्टमेटिक फॉर्म में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समय प्रेजेंट में चल रही है। इसके बाद हम इनऑर्गेनिक में डी ए ब्लॉक एपी ब्लॉक ये लाएंगे और आपकी बहुत अच्छे से अच्छी तैयारी कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और न्यू इंफॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू, नमस्कार।